सोचिए उस लड़की पर क्या गुजरी होगी, उसी के सामने उसी के वजह से उसके पिता पर गोली चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वो सवाल ये है कि क्या महिलाएं अगर घर के अंदर रहती हैं और फुल बाजू के कपड़े पहनती हैं तो क्या उनके साथ हिंसा नहीं होती है? क्या उनके साथ घरेलू हिंसा, रेप, किडनैप या बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं होती हैं? इस तरह के सवाल के जवाब को जानने की कोशिश की है। ये वो चिंता है जो सिर्फ मेरी नहीं है, सिर्फ रानी राय की नहीं है, ये भारत की तमाम महिलाओं की चिंता है, जिसका जवाब जानने की कोशिश आज हम इस वीडियो में करेंगे। ये दरअसल हमारी वेबसाइट के एक आर्टिकल है जो लिखा है रानी राय ने। उसका शीर्षक यही है कि क्या महिलाएं अगर घर के अंदर रहती हैं और फुल बाजू के कपड़े पहनती हैं तो उनके साथ रेप जैसी घटनाएं नहीं होती हैं, उनके साथ अत्याचार नहीं होता है। इसका जवाब उन्होंने क्या लिखा है, क्या समझा है, यही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। इस आर्टिकल को आप पढ़ भी सकते हैं, उसके लिए आपको गूगल पर जाकर लिखना होगा भारत एक नई सोच .in और आप इस वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने क्या लिखा है आइए जानते हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता, वकील लड़कियों को ये सलाह देते नहीं थकते हैं कि लड़कियों को समय असमय बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने लिखी। उन्होंने लिखा कि लेकिन लड़कियों के साथ घर में भी बलात्कार जैसी घटनाएं हो ही जाती हैं, दिन दहाड़े रोड पर भी लड़कियों का किडनैप हो जाता है। इसमें निकिता जैसी लड़की की घटना जो है वो सामने आई है, जिसमें रोड पर सरेआम दो मनचले लड़कों ने मिलकर एक लड़की पर गोली चला दी। और घटना क्या है, एक तरफा प्यार ही समझ सकते हैं या ये जो भी है ये सही नहीं है। इस तरह का सवाल उठाते हुए उन्होंने ये लाइन लिखी है। उन्होंने आगे क्या लिखा है वो समझते हैं। उन्होंने कहा कि इस बात का खंडन हाल में हुई एक घटना से करते हैं। दो लड़कियां स्कूल से वापस आकर घर के पास लगे हैंडपंप पर नहाने गई थी। कुछ देर तक जब दोनों लड़कियां घर पर वापस नहीं आई तो घर वालों ने और पड़ोसियों ने मिलकर लड़कियों को ढूंढने की कोशिश की। 8 से 10 साल की उम्र की लड़कियों के साथ ऐसी घटना हुई, जो घर के 1 किलोमीटर दूर खेत में पड़ी उनकी लाश मिलती है, जिसमें से एक लड़की की मौत हो चुकी होती है और दूसरी लड़की की दांत टूटे हुए मिलता है और खून बुरी तरह से बह रहा होता है। ये घटना दिन में हुई है और घर पर ही हुई है। इस तरह की घटना का एग्जाम्पल देकर वो ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो आप हमें फ्री फंड का सलाह देते हैं कि लड़कियां अगर घर में रहें और फुल बाजू के कपड़े पहने तो उनका उनके साथ ऐसी घटना नहीं होगी, रेप की घटनाएं नहीं होंगी, उनको ही जवाब देने की इस आर्टिकल में कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है कि घर में भी लड़कियों के साथ रेप हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्नाव में हाल ही में एक घटना हुई है, उस पर भी बात करते हैं, जो दिन में ही हुई है। 3 चचेरी बहनें दिन के 3 बजे खेत में घास लेने गई हुई थी। एक लड़की को जो एक लड़का एक तरफा प्यार करता है, प्यार कबूल ना होने की वजह से आग बबूला होता है और लड़कियों को पानी के बोतल में जहर मिलाकर पिला देता है, जिसमें तीनों लड़कियों ने वो पानी पिया और 3 में से 2 लड़कियों की मौत हो गई और 1 लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना में लड़कियों का क्या दोष है, इस पर वो सवाल खड़ा कर रही हैं और ये पूछ रही हैं कि लड़के की सिर्फ बात ना मानना ही लड़की की गलती है जो वो इस घटना को अंजाम दे देता है। इस तरह के सवाल उन्होंने खड़ा किया है और कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों पर हमें और आपको मिलकर बात करनी चाहिए कि आखिर एक लड़के को इतनी छूट, इतनी इजाज़त कैसे मिल जाती है कि वो सरेआम रोड पर किसी लड़की को गोली मार देता है क्योंकि उसका प्यार कबूल नहीं हो पाता है, लड़की को पानी में जहर मिलाकर पिला देता है क्योंकि उसका प्यार कबूल नहीं हो पाता है, रोड चलते लड़की पर एसिड फेंक दिया जाता है क्योंकि उसका प्यार कबूल नहीं हो पाता। अगर लड़के का प्यार लड़की ना कबूल करे तो उसको कौन हक देता है कि वो उस पर एसिड फेंक दे, उसको सरेआम रोड पर गोली मार दे या उसके पानी में जहर मिलाकर पिला दे? इतना हक तो आपको किसी के पास नहीं है। और एक बात, हाँ, प्यार कभी जान लेना नहीं सिखाता, प्यार जान कुर्बान करना सिखाता है। तो ये जो लोग आजकल के प्यार में दूसरे की जान ले रहे हैं उनको बता दें कि प्यार आत्मसमर्पण सिखाता है, प्यार त्याग सिखाता है, प्यार किसी की जान लेना नहीं सिखाता। आगे उन्होंने क्या लिखा वो देखते हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी घटना उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस की है, जहां एक लड़की से छेड़छाड़ का रिपोर्ट लिखाने उसके पिताजी जब पुलिस थाने जाते हैं तो पिता द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट से आग बबूला हुआ एक व्यक्ति खेत
खेत में जाकर लड़की के पिता को गोली से छन्नी कर देता है। सोचिए उस लड़की पर क्या गुजरी होगी, उसी के सामने उसी के वजह से उसके पिता पर गोली चल रही है। इस तरह के सवाल को खड़ा करके वो ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि जब किसी लड़के के साथ रेप होता है या किसी भी तरह की कोई हिंसा होती है तो सोचिए सिर्फ एक बार शारीरिक हिंसा नहीं होती, उसके साथ कई तरह की मानसिक हिंसा भी होती है। एक लड़की के साथ रेप हुआ है, अब उस लड़की के साथ रेप हुआ है तो शारीरिक हिंसा उसके साथ हुई है, लेकिन वो क्या मानसिक हिंसा झेल रही है ये भी देखिए। जब वो किसी भी समाज में निकलेगी तो उसको किस नज़रिए से देखा जाएगा, वो मानसिक हिंसा वो क्या अपने दिमाग में झेलेगी, वो क्या समझेगी, इस पर कोई बात नहीं करता, ये भी सोचने की ज़रूरत है। रेप हो जाने के कई साल बाद तक न्याय नहीं मिल पाता तो कई साल तक वो जो मानसिक पीड़ा झेल रही होती है, क्या इस पर भी कोई कानून है, क्या ये जो मानसिक हिंसा जो वो महिला झेलेगी उस पर भी कोई न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान और हमारा जो न्याय है, जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें आप सिर्फ शारीरिक हिंसा के बारे में बात कर सकते हैं। आइए आगे क्या लिखा गया है उसको देखते हैं। उन्होंने लिखा, जाहिर सी बात है कि महिलाओं पर अत्याचार समय असमय बाहर निकलना या छोटा कपड़ा पहनना नहीं है, बल्कि समाज में छुपे कुछ अत्याचारी लोग हैं जिनकी गिरी सोच और मानसिकता की वजह से महिलाओं पर हिंसा होती है। वो महिलाओं को भोग की वस्तु समझते हैं, ये घटिया सोच कारण है जो महिलाओं पर हिंसा और अत्याचार बढ़ रहे हैं। उपयुक्त घटनाओं से यह साफ होता है कि इसमें महिलाओं को सुधरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पुरुष की नीची मानसिकता सुधारने की आवश्यकता है जो महिलाओं को रबड़ की गुड़िया समझते हैं। एडवोकेट मोहन लाल शर्मा ने न्यूज़ लॉन्ड्री के एक पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि मिठाई अगर खुली जगह रखेंगे तो मक्खियाँ भिनकेंगी ही, इस तरह की बात उन्होंने कहा। आगे रानी राय लिखती हैं कि जो इन बुद्धिजीवियों को सुधारने की आवश्यकता है, लड़कियां ना तो मिठाई हैं और ना ही कोई खाने की चीज़, लड़कियां लड़कियां हैं, वो इंसान हैं, उनमें भी सभी प्रकार की भावनाएं हैं, उनके अंदर भी जान है, वो खाने की वस्तु नहीं है, इस तरह की बात वो कह रही हैं। सोचिए कितनी बेहतरीन बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की गई है कि जो इस तरह के बयान दे देते हैं कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं तो लड़के आकर्षित हो जाते हैं, जो इस तरह के बयान देते हैं कि लड़कियां अगर मेकअप करके निकलती हैं तो वो आकर्षण का केंद्र बनती हैं, लड़कियां छोटे कपड़े और मेकअप सिर्फ इसलिए करती हैं ताकि लड़के उन पर अट्रैक्ट हो, इस तरह की बयान देकर आप क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं? जो लोग इस तरह के बयान देते हैं क्या वो एक बार ये भी सोचते हैं कि उनके घर भी महिलाएँ हैं, उनकी खुद की भी बेटियाँ हैं, उनके पड़ोस की भी या फिर उनके रिश्तेदार में भी तमाम ऐसी लड़कियाँ हैं जिन पर भी वो ऐसे ही बयान देकर उनको कितना चोट पहुंचा रहे हैं? जो लोग ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूं कि क्या मेकअप कर लेने से या छोटे कपड़े पहन लेने से लड़कियां अगर अपने आप को मेंटेन कर रही हैं या सुंदर कपड़े पहन रही हैं, छोटे कपड़े पहन रही हैं, तो क्या आपको इतनी इजाज़त मिल जा रही है कि आप उनके साथ हिंसा कर लें? क्या मेकअप करना या छोटे कपड़े पहनने से आपको इतनी इजाज़त मिल सकती है कि आप किसी सड़क पर चलती हुई किसी लड़की के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। क्या मैं ये सवाल नहीं खड़ा कर सकती? क्या मैं ये नहीं पूछ सकती कि जितना स्वतंत्र लड़के हैं उतना स्वतंत्र अगर लड़कियां होना चाहती हैं तो इसमें क्या आपत्ति है? अगर मैं ये सवाल खड़ा करूँ कि अगर लड़के हाफ नक्कर पहन के निकल रहे हैं तो लड़कियों का नहीं उत्साह होता है, लड़कियों का नहीं मन करता है, तो आप लोगों को इतनी इजाज़त क्यों मिल जाती है? और एक सवाल मेरा ये भी है कि जो लोग इस तरह की हिंसा कर रहे हैं वो इतना निर्भीघ कैसे है? उन्हें किसका सपोर्ट है? उन्हें क्यों हमारी न्याय व्यवस्था का डर नहीं? उन्हें ये क्यों डर नहीं है कि इस तरह की हिंसा करने के बाद उन्हें जेल होगी? एक लड़की के साथ रेप हो जाने के बाद उसका पिता जब पुलिस थाने में जाकर FIR लिखाता है तो सरेआम उस पर गोली चलाई जाती है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? पहले तो ये कि मुझे हिंसा से डर नहीं, मैं लड़की के साथ किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार कर सकता हूँ, और अगर उसका पिता न्याय व्यवस्था में विश्वास कर किसी न्यायालय जाने की कोशिश करता है या पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश करता है, प्रशासनिक मदद लेने की कोशिश करता है, तो मैं उसे गोली से भून सकता हूँ, छन्नी कर सकता हूँ। इस तरह की स्वतंत्रता, इस तरह का भोकाल या इस तरह का सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है। और क्या आप इसी तरह से सपोर्ट करके महिलाओं को सुरक्षित करना चाहते हैं, ये भी एक सवाल है। ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, ये सिर्फ रानी राय का सवाल नहीं है, ये उन तमाम लड़कियों का सवाल है जो आपके घर में भी हैं,
और वो पूछना चाहती हैं आपसे कि आखिर कब तक हमें इस तरह से आप परेशान करते रहेंगे, कब तक हम ऐसे ही आप लोगों के ऊल जलूल बयान सुनकर अपने आप को सिमट कर रहने की कोशिश करेंगे, इस तरह का सवाल है। आगे उन्होंने क्या लिखा ये भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि निर्भया केस में दोषियों की तरफ से केस लड़ रहे वकील एपी सिंह ने कहा था कि लड़कियों के रेप की वजह जो है वो उनके छोटे कपड़े हैं, इस तरह के बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा तो रानी राय इस पर क्या कहती है, उन्होंने कहा कि हमारे समाज में लड़कियों के पहनावे पर कई तरह की टिप्पणियाँ की जाती हैं जो इन बुद्धिजीवों को जवाब देना ज़रूरी है। वो पूछ रही हैं कि आसिफा, प्रियंका रेड्डी, हाथरस की गुड़िया, निर्भया ने कौन से ऐसे खराब कपड़े पहने थे जिसकी वजह से उनके साथ इतनी बर्बर वाली घटनाएं हुई, इतनी निर्दयी घटनाएं कैसे हुई। उन्होंने पूछा कि 3 से 10 साल की लड़कियां कौन से ऐसे खराब कपड़े पहन लेती हैं कि उनको रेप कर मौत के घाट उतारने की इजाज़त मिल जाती है। उन्होंने लिखा है कि क्या महिलाओं पर पाबंदिश लगा देने से अत्याचार कम हो जाएगा, या पूरे विश्वास से अगर आप कह सकते हैं कि महिलाएं घर में सुरक्षित हैं, इस तरह की बात रानी ने कही। उन्होंने एक बेहतरीन आर्टिकल लिखी है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाइए और लिखिए भारत एक नई सोच .in। अब मैं आपको इस पूरे आर्टिकल में मेरी क्या सोच है वो मैं बताने की एक बार कोशिश करूँगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर हम कब तक आप लोगों के ऊल जलूल बयान सुनकर अपने आप को सिमट कर घर में रहने की कोशिश करेंगे। जो लड़कियां घर में भी हैं उनके घर में घुसकर भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो महिलाएं पूरे पोशाक में घूम रही हैं, सूट सलवार भी पहन रही हैं, उनके साथ भी अत्याचार हो रहे हैं। सिर्फ कपड़ा रेप की इजाज़त नहीं देता, सिर्फ समय असमय बाहर निकलना आपको ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी भी लड़की के साथ अभद्र व्यवहार कर सकें। उन्होंने इस आर्टिकल में ये भी कहा कि क्या छोटी जो 4 महीने 6 महीने 5 साल 10 साल की लड़कियां कौन सा ऐसा कपड़ा पहन लेती हैं कि उनके साथ रेप जैसी घटनाएं हो जाती हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर महिलाएं समय असमय बाहर नहीं निकलेंगी तो क्या वो सुरक्षित रहेंगी? क्या आपने ऐसी घटना आज से पहले कभी नहीं सुनी कि किसी लड़की के या किसी महिला के घर में घुसकर उसके साथ रेप जैसी घटना की गई है? तो महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं बाहर भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सूट सलवार पहनने के बाद भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं वेस्टर्न ड्रेस पहनने के बाद भी सुरक्षित नहीं है। आपके देश की महिला तभी स्वतंत्र होगी जब हम और आप मिलकर इस पर सवाल खड़ा करेंगे और इस मुद्दे पर संवेदनशील होंगे। सिर्फ अगर किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है तो सिर्फ एक बार उसके साथ दरिंदगी नहीं होती, वो जो झेल रही होती है और जितने साल तक उसको न्याय नहीं मिलता उतने साल तक वो मानसिक जो पीड़ा झेलती है उसके बारे में भी सोचिए और समझने की कोशिश करिए। सिर्फ भारत देश महान कहने से अगर आप में वो ऊर्जा आती है तो आप कहिए और आपको भारत देश महान मुबारक हो। मैं अपने उस भारत देश को तब महान कहूंगी जब हमारे देश की महिलाएं पूरी स्वतंत्रता के साथ बाहर निकल सकेंगी और वो क्या पहनेंगी ये वो डिसाइड करेंगी, ना कि अपने समाज के बुद्धिजीवी लोग। मेरी राय से आप कितना सहमत हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपकी जो राय प्रतिक्रिया है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।